क्या ये भी सोल डिसाइड करके आती है कि वो आगे जाके आत्महत्या का कदम भी उठा सकती है? दो तरफ का होता है, वन फॉर एन एक्सपीरियंस, वन डिसाइड करके आता है कि आत्महत्या क्या है फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम वो जो है चैलेंजेस उसको पार करने में उसको तकलीफ लगता है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, और वो जो सिखाने वाला है मगर भी वो सहन नहीं कर पा रहा है, तो दे कमिट इन क्षण की इन वन सेकंड दे टेक ए डिसीजन एंड डू दैट एंड आफ्टर गोइंग टू द हायर वर्ल्ड्स दे रिपेंट, अरे तो यार गलती किया था, थोड़ा एक 10 मिनट इंतजार करना था तो फिर वापस आ जाएगा, नहीं नहीं आइंदा मैं नहीं करूँगा, फिर आ जाएंगे, फिर ध्यान नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही करता रहा, तब तक उसका जो भी लेसन्स है वो जब तक नहीं लर्न करते वो वापस वही लेसन्स में आता रहता है। और सर ये जो आत्महत्या है तो क्या ये भी एक कर्मा बन जाती है, इसका भी फल फिर भुगतना पड़ता है हमें अगले जन्म में? अगले जन्म में कर्म के हिसाब से यस वी हैव टू वेट फॉर दैट इनकार्नेशन, हमको बहुत मुश्किल है, यू हैव टू कम ऑन दिस अर्थ प्लेन, हमारा क्यों बड़ा है इधर आके, क्योंकि देर इज नो अदर प्लेन वेयर यू हैव लर्निंग बेटर देन दिस अर्थ प्लेन, सो बार बार इधर आने का कोशिश प्रयास करता है, मगर ये क्या है, आपका जो साथी है आप फेल हो रहा है, वो तो आगे निकल रहा है और वो तो आप वही क्लास में बार बार पढ़ना